ज्योतिराय सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है, वो किसी भी पार्टी में चाहे बीजेपी में जाएंगे तो यहाँ 22 के 22 विधायक सब एक साथ हैं और सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के संपर्क में। सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उनके हर निर्णय में पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। अभी 22 लोग बेंगलोर में हैं और सभी अपनी मर्जी से हैं, सिंधिया जी के आशीर्वाद से हैं और जहाँ अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने कि हमको वे किसी जगह पे ले जा रहे हैं। अगर महाराज साहब किसी जगह पे नहीं ले जाते, हम लोगों से अगर वो कहते, स्वयं मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब हैं वहाँ इमरती देवी है और जितने हम 22 विधायक हैं सब हंसी खुशी से हैं और सब अपनी इच्छा से हैं और महाराज की जो अपेक्षा उनने की है कांग्रेस वालों में, इतनी तो बीजेपी में भी कभी नहीं हुई थी। हमने भी 10 साल बीजेपी में रहे हैं विधायक बन करके, तो इतना बुरा हाल नहीं था जितना कमलनाथ जी ने कर दिया था हम लोगों के क्षेत्र में। हमने 10 साल कहा हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, लेकिन जब सरकार आई तो और इतनी बुरी तरह से हम बेहाल हो गए कि एक काम भी हमें कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला है और हमारी कमलनाथ जी ने बिल्कुल नहीं सुनी और खासकर तो सिंधिया महाराज की बिल्कुल सुनवाई नहीं की। हम सबसे ज्यादा परेशान थे उस पार्टी में रह कर, जिस पार्टी से आज हम त्याग पत्र देकर श्रीमंत ज्योतिराय सिंधिया जी के साथ खड़े हैं। ज्योतिराय सिंधिया के साथ आज भी ज्योतिराय सिंधिया जी के साथ हूँ, आगे भी ज्योतिराय सिंधिया जी के साथ रहूंगा और जो हम लोगों ने 22 लोगों ने इस्तीफा दिए सबने अपनी अपनी स्वेच्छा से रिजाइन किया।